हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लैम विशालिनी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड सेफ होंगे। ये मेकअप लुक मैंने ईद के लिए क्रिएट किया है, तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी ईद। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए देखते हैं मैंने कैसे क्रिएट किया है इस लुक को। इस लुक को क्रिएट करने के लिए मैंने गुड वाइब्स का हनी टोनर लिया है। इससे मैं अपनी स्किन को अच्छे से प्रेप करूँगी, क्योंकि समर सीज़न है तो हमें अपनी स्किन का अच्छे से ध्यान रखना है। देन मैंने गुड वाइब्स का ही एलोवेरा जेल लिया है। एलोवेरा जेल हमारी स्किन को ठंडक पहुंचाता है। मैं कोई प्राइमर यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि ये जेल बेस होता है। देन मैंने फाउंडेशन के लिए मेबलिन फिट मी मैट प्रो फाउंडेशन लिया है, क्योंकि समर सीज़न है तो मैंने मैट फाउंडेशन लिया है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपके लिए परफेक्ट फाउंडेशन है ये। देन मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे अच्छे से ब्लेंड करूँगी ताकि हमारे फेस पे कोई पैचेस ना रह जाएं। तो हमें बहुत ही अच्छे से ब्लेंड करते हुए लगाना है, क्योंकि समर सीज़न है तो स्वेटिंग आने के कारण हमारे फेस पे पैचेस हो सकते हैं, तो हमें बहुत ही अच्छे से ब्लेंड करना है। और आप जब भी ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करते हो तो आप इसे पानी में भिगो के 5 मिनट के बाद इसे निचोड़ के अच्छे से अप्लाई करें। देन मैं इसके बाद ओलिविया का कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रही हूँ। इसे मैं ब्रश की हेल्प से अच्छे से पूरे फेस पे अप्लाई करूँगी। इस तरीके से सभी जगह हमें लगाना है जहाँ हमने फाउंडेशन अप्लाई किया है। एंड मैं अपने लिप को मॉइस्चराइज करने के लिए नायका का लिप बाम लगा रही हूँ। देन मैंने अपनी आईब्रोज़ को फिल किया है। आईब्रोज़ को हमें बहुत अच्छे से फिल करना है, क्योंकि आईब्रोज़ अच्छे से फिल होने के कारण हमारा मेकअप लुक बहुत ही अच्छा लगता है। एंड हमें जब भी आईब्रोज़ फिल करनी होती हैं तो हमें आगे की साइड बहुत ज़्यादा डार्क नहीं रखनी है, ये आपको हमेशा याद रखना है। देन मैंने कंसीलर के लिए स्विस ब्यूटी का कंसीलर लिया है। इसे मैं अपने आईलिड पे लगा रही हूँ आई बेस के लिए, आई मेकअप लुक क्रिएट करने के लिए इसे अच्छे से लगा रही हूँ ताकि मेरा मेकअप लुक बहुत ही अच्छा लगे इस तरीके से। एंड मेरी आईब्रो थोड़ी शार्प लगी इस तरीके से मैंने इसलिए अप्लाई किया है, आप लोग भी ऐसे कर सकते हो। उसके बाद मैंने मिनी ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे अच्छे से ब्लेंड किया है। मैं हमेशा आई बेस को ब्लेंड करने के लिए मिनी ब्यूटी ब्लेंडर का हमेशा यूज़ करती हूँ, क्योंकि इससे ब्लेंड करने से एक फ़ायदा होता है कि हमारा जो आई बेस होता है वो बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, इसलिए मैं हमेशा इसे यूज़ करती हूँ। ये मैंने 99 स्टोर से परचेज़ किया था, तो आप भी वहाँ परचेज़ कर सकते हो जाके, आपको अच्छा मिल जाएगा वहाँ पर। देन मैं अपने आई बेस को सेट करने के लिए मेकअप रेवोल्यूशन का बनाना पाउडर ले रही हूँ। इसे मैं ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ इस तरीके से ब्रश से, ताकि हमारा आई मेकअप लुक बहुत ही इन्हेंस लगे एंड कोई भी ड्राई पैचेस ना आए, क्योंकि समर सीज़न है तो ड्राई पैचेस आने का डर रहता है। देन मैं अपने आई मेकअप लुक के लिए ट्रांजेक्शन शेड के लिए पिंक शेड ले रही हूँ। इसे मैं अच्छे से ब्लेंड करूँगी एक मिनी ब्रश की हेल्प से। एंड हमें अपने आई मेकअप लुक में एक बात हमेशा याद रखनी है कि जो हम आई शेडो यूज़ करते हैं तो बहुत ही अच्छे से ब्लेंड होना चाहिए हमारा आई शेडो। हमें आई शेडो ब्लेंड करने में काफ़ी टाइम देना चाहिए ताकि हमारा आई मेकअप लुक उभर के एंड बहुत अच्छा लगे। ये पिंक शेड मैंने स्विस ब्यूटी के SD आई शेडो पैलेट से लिया है। देन मैं आउटर वी पे ब्लू कलर ले रही हूँ। इसे भी मैंने स्विस ब्यूटी के SD आई शेडो पैलेट से लिया है ये कलर मैंने। एंड ट्रस्ट मी गाइज, वो बहुत ही कलरफुल आई शेडो पैलेट है एंड काफ़ी बजट फ्रेंडली है, आप उसे ज़रूर परचेज करें, उसमें काफ़ी सारे शेड आपको मिल जाएंगे। एंड मैं कट क्रीज के लिए कंसीलर का यूज़ कर रही हूँ। इससे मैं हाफ कट क्रीज बना रही हूँ एंड इसे भी मैं ब्यूटी ब्लेंड की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी, ताकि हमें और जो कलर हमें यूज़ करना है वो अच्छे से हमारे आई मेकअप लुक में लग जाए। ये ग्रीन कलर मैंने लिया है ब्यूटी ग्लेज्ड आई शेडो पैलेट से। ट्रस्ट मी गाइज, बहुत ही अच्छा ब्यूटी ग्लेज्ड आई शेडो पैलेट है। उसमें आपको 63 कलर मिल जाएंगे, बहुत ही अच्छा है एंड ये ब्रश की हेल्प से ईजिली लग जाते हैं इनके कलर, काफ़ी पिगमेंटेड शेड हैं इनके।
देन मैं अगेन ब्लू कलर लेके इसमें मर्ज कर रही हूँ। देन मैंने स्विस ब्यूटी का ब्लू लिक्विड आईलाइनर लिया है। आज मैं ब्लैक आईलाइनर नहीं लगा रही हूँ, आज मैं ब्लू आईलाइनर लगा रही हूँ। इससे भी मैं विंग वाला आईलाइनर ड्रॉ करूँगी एंड बहुत ही अच्छा आईलाइनर है ये गाइस। एंड इसका कलर बहुत अच्छा है, इलेक्ट्रिक ब्लू कलर का है, बहुत ही अच्छा है। तो आप लोग इसे डेफिनेटली परचेज करें अगर आप कलरफुल आईलाइनर लेना चाहते हो तो कोई। देन मैंने स्विस ब्यूटी का ही मस्कारा लिया है एंड ये बहुत ही अच्छा मस्कारा। मैंने अपर लैशेस में कर लिया है। देन मैं एसक्यू का काजल ले रही हूँ, इसे मैं अपने वाटर लाइन पे फिल कर लूँगी। देन मैं लैश लाइन में इस तरीके से लगाते हुए एक ब्रश की हेल्प से स्मच करूँगी ताकि हमारा आई मेकअप लुक सिक्योर रहे। समर सीजन है तो हमारा काजल फैल जाता है, इसलिए हमें इस तरीके से कर लेना है ताकि हमारा आई मेकअप लुक ख़राब ना हो। एंड अब मैं लोअर लैश में भी मस्कारा अप्लाई कर ले रही हूँ एंड मैं अगेन बनाना पाउडर से अपने फेस को क्लीन कर रही हूँ ताकि कोई भी फॉल आउट हुआ होगा तो वो इजीली निकल जाए इस तरीके से ब्रश की हेल्प से। एंड मैं अब कंटूरिंग कर रही हूँ। कंटूरिंग के लिए मैंने लिया है मेकअप रेवोल्यूशन के ब्लश पैलेट से, जो कि आपको मैंने बहुत सारे अपने मेकअप वीडियोस में दिखाया है, उसमें कंटूरिंग शेड भी है। तो मैं इस तरीके से कंटूरिंग कर रही हूँ एंड मैं अपनी नोज़ में भी कंटूरिंग सेम उसी से ही कर रही हूँ, उसी पैलेट से। ये मैंने एक फ्लैट ब्रश लिया है, उसी से ही मैं कर रही हूँ। एंड मैंने ब्लेंड किया है अपनी फिंगर की हेल्प से। एंड अब मैं ब्लश अप्लाई कर रही हूँ। ब्लश के लिए मैंने लिया है ग्लैम 21 का ब्लश पैलेट, उसी से ही मैं ब्लशर अप्लाई कर रही हूँ। एंड मैं अपने फेस को हाईलाइट कर रही हूँ। हाईलाइट करने के लिए मैंने लिया है स्विस ब्यूटी का ब्रिक हाइलाइटर एंड ट्रस्ट मी गाइस, बहुत ही अफोर्डेबल एंड बहुत ही अमेजिंग हाईलाइटर पैलेट है। मैं उसी से ही अपने फेस को हाईलाइट कर रही हूँ हाईलाइटिंग पॉइंट पे, एंड इसी से ही मैं अपने ब्रॉ बोन को भी हाईलाइट करूँगी। एंड गाइस मैं अपने आउटर वी पे हल्का सा ग्लिटर लगा रही हूँ ब्लू कलर का। एंड मैं ब्लू कलर का ग्लिटर लगा रही हूँ। ये ग्लिटर मैंने लिया है ब्यूटी ग्लिस्ट पैलेट से, उसमें ब्लू कलर का ग्लिटर है एंड बहुत ही अच्छा ग्लिटर है ताकि मेरा लुक थोड़ा सा और अच्छा लगे। एंड मैं ब्रश की हेल्प से अच्छे से सेट कर रही हूँ इसे। एंड अब मैं अपने इनर कॉर्नर को हाईलाइट कर रही हूँ। सेम मैंने स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर पैलेट लिया, उसी से ही मैं कर रही हूँ। मैंने लिपस्टिक के लिए ली है लैक्मे 9 to 5 लिपस्टिक। ये पिंक कलर का शेड है, ये बहुत ही अच्छा मैट लिपस्टिक है ये। एंड अब मैं अपने मेकअप को सेट करूँगी। मेकअप सेट करने के लिए मैंने लिया है मेकअप सेटिंग स्प्रे स्विस ब्यूटी का। एंड मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से एक बार अच्छे से और सेट कर रही हूँ। एंड दिस इज माई फाइनल लुक।
आई होप मेरा मेकअप लुक आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।